सो रिसेंटली वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स के व्हाट आर माय व्यूज़ ऑन कि भाई यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने वाले हैं. एंड नेचुरली यहाँ पे दो बड़े सवाल हैं. सबसे पहला कि भाई ऑप्शनल हटने वाला है, एंड फॉलो अप ऑफ दैट इज़ कि भाई मेंस में नए सब्जेक्ट्स आएंगे. दूसरा सवाल कि भाई अटेम्प्ट्स कम करे जाएंगे, एंड साथ ही साथ एज फॉर अटेम्प्ट्स भी रिड्यूस होगी. एट द सेम टाइम यूपीएससी के बारे में भी हमें दो चीज़ें पता है. नंबर वन, यूपीएससी इज स्टिल फेयर. एंड नंबर टू, यूपीएससी इज़ नॉट वेरी ओपन अबाउट इट्स इंटरनल प्रोसेसेस. कि भाई यूपीएससी को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपको पता है नहीं पता है क्या हो रहा है. कभी ऐसा हो जाता है भाई 2017 के पेपर की तरह कि भाई करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे. कभी 2023 की तरह ऐसा हो जाता है कि भाई सीसेट इतना टफ हो जाता है. तो चीज़ें काफ़ी रैंडम यहाँ पे चलती हैं, एंड देर इज़ नो यू नो अप फ्रंट इंटीमेशन बाय यूपीएससी ऑफ दी सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस. तो बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दैट जब मैंने तैयारी शुरू करी थी ऑलमोस्ट यू नो 2014 में, व्हेन मोदी जी वॉज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टर्म एज पीएम, सिंस देन आई हैव बीन हियरिंग कि भाई ऑप्शनल हटने वाला है. मतलब तब जेन्युइनली देर वॉज अ कंसर्न अबाउट दिस एज वेल, बिकॉज इन 2011 एंड 12 फॉर द फर्स्ट टाइम दो ऑप्शनल हटा के जीएस के चार पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, एंड यू नो सीसैट इंट्रोड्यूस किया था. तो देर वर रैपिड मैसिव चेंजेस दैट वर हैपनिंग. एंड 2013 में इज व्हेन यू हैड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट वर इंक्रीज. तो 2014 में मतलब जेन्युइनली दोज वर कंसर्न्स कि भाई ऑप्शनल हटने वाला है. बट सिंस देन डिस्पाइट हियरिंग एवरी ईयर कि भाई ऑप्शनल हटने वाला है, अब तक तो नहीं हटा है. एंड आगे हटेगा कि नहीं ये सिर्फ यूपीएससी जानता है, एंड यूपीएससी के मन की बात हमें नहीं पता है. इट्स नॉट लाइक मोदी जी जो बता देते हैं मन की बात क्या चल रही है. यूपीएससी डज नॉट रियली शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने का भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है. तो करना क्या है, एंड गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2024 तो देन दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन फॉर यू. आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप ऑप्शनली तैयारी कर रहे हो. इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2025 आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अभी भी ऑप्शनल पढ़ लो. अगर चेंज आता भी है तो एटलीस्ट यू नो आपको फेब ऑनवर्ड्स पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द न्यू सब्जेक्ट्स एज दे आर. बट टिल देन आप टाइम वेस्ट मत करो ये सोच के कि भाई ऑप्शनल हट जाएगा तो फिर मैं क्यों पढ़ रही हूँ. इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2025, बट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ईयर आफ्टर 2025 माने कि 2026 27, फोकस ऑन जीएस प्रिपरेशन. ऑप्शनल की टेंशन मत लो अभी, थोड़ा सोच के रख सकते हो आप कि भाई मुझे क्या ऑप्शन चाहिए. बट बाय फेब्रुअरी ऑफ 2025 व्हेन द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट ईयर का एग्जाम कम्स आउट, यू विल फिगर आउट कि भाई हट रहा है नहीं हट रहा है. और अगले साल भी फिर आप फिर से वही अफवाह सुनोगे कि भाई यू नो एज कम हो जाएगी, अटेम्प्ट कम हो जाएंगे. पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस नहीं होते दिख रहे मुझे. हालांकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा एक डायनामिक चीज़ है, बिकॉज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. भाई AI करके इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मे बी शायद उसका कुछ एक इंक्लूजन इन योर एग्जाम भी हो जाए. इन द एंड ये एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, अटेम्प्ट, ये सब कुछ डायनामिक है. इन द नियर फ्यूचर शायद ना बदले, बट इन 5 ईयर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलेगा. सो इनसाइडर इन्फो की हवा मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो. बेस्ट ऑफ लक.